अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं, जो भी नई अपडेट आती है दुबई से, यूएई से, इमारात से, अबू धाबी से, रसूल खैमा से, उमुल क्वैन से, शारजा से। देखें दुबई की 7 रियासतों में से जो भी नई खबर आती है, खबर बड़ी हो या छोटी हो, तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूअर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक बात पहुँच जाए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, दुबई की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है परवाज़ें बहाल होने का। तो आज हम इस मौके पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उन मेरे भाइयों के लिए जो मेरे भाई बार बार पूछ रहे हैं पाकिस्तान से दुबई के लिए कब परवाज़ें ओपन होंगी। आज उनके लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ लेके आए हैं। देखें टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। ये आज की न्यूज़ अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ। देखें आज की वीडियो बहुत अहम है, गौर से सुने, टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से और दुबई हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है इंटरनेशनल परवाज़ों का, तो वो हुआ है 15 जून का ऐलान हो चुका है। इंशाल्लाह जो मेरे भाई पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी आ चुकी है और ये खबर सुनकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान में कि 15 जून का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कि 15 जून को इंशाल्लाह ये फ्लाइटें दुबई के लिए उड़ान भरेंगी। पहली पीआईए की परवाज़ जो उड़ेगी दुबई के लिए 15 जून को, जो मेरे भाई दुबई के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। वो दुबई के लिए, अगर दुबई का विज़िट उन्होंने लिया हुआ है या वीज़ा है उनका, या छुट्टी आए हुए थे पाकिस्तान वापस नहीं गए परवाज़ें बंद होने की वजह से, तो उनके लिए बहुत ही अहम खुश और गुड न्यूज़ है कि वो अपना पासपोर्ट अभी रेडी रखें और तैयारी पकड़ें दुबई जाने के लिए। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से और दुबई, जो मेरे भाई परेशान बैठे थे, अभी उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तारीख है, आप लोगों को मालूम है कि आज 26 हो चुकी है, 26 मई, तो इसमें से 4-5 दिन इसमें हैं और यानी कि टोटल 15-20 दिन हैं बाकी जो आप दुबई के लिए उड़ान भरेगी परवाज़ आप लोगों के लिए, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि बांग्लादेश और इंडिया की बात करते हैं, उनके लिए भी अन करीब परवाज़ें ओपन होने वाली हैं। जो इंडियन भाई और जो बांग्लादेश के भाई हैं जो दुबई के लिए वो भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जल्द ही ऐलान होने वाला है, उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भी बात कर लेते हैं फ़ीमेल की, जो पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा ओपन है, फ़ीमेल भी जा सकती है और फीमेल को आपको मालूम है फ़ीमेल को जल्द ही नौकरी मिल जाती है, जो पाकिस्तान से जाए या बांग्लादेश से जाए या इंडिया से जाए, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़्लैटों का अब मुकम्मल तौर पर ऐलान हो चुका है। आप इंतज़ार करें, 20 दिन हैं बाकी, आप दुबई के लिए सफ़र करेंगे। आप लोगों को खुश होना चाहिए जो मेरे भाई परेशान बैठे थे कि कब फ्लैटें खुलेंगी, और उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।